प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी को देखते हुए इस बजट को युवाओं पर केंद्रित किया है और एक युवा होने के नाते इस बजट पर सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, कलाम साहब के कोट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, द इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ द यूथ इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ, अर्थात युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है, पर सरकार इस कथन के अनुरूप काम करती नहीं दिखती है। इसका कारण यह है, सरकारी नौकरियां जो निकली उनके लगातार पेपर आउट होते चले गए। आज अपने प्रज्वलित दिमाग के साथ, मस्तिष्क के साथ युवा उसे अन्य कई कामों में लगाने पर मजबूर हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, पैरा नंबर 12 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 मेगा जॉब फेयर की बात करी, पर क्या सरकार ने पूर्व में लगाए गए जो जॉब फेयर थे उनका कभी ध्यान दिया कि उनमें जो नौकरियां लोगों को मिलनी थी उतनी मिली कि नहीं मिली? जो कंपनीज वहां पर आई और युवाओं को जो उन्होंने वहां पर शॉर्टलिस्ट किया, क्या उन्हें नौकरी दी गई कि नहीं दी गई? स्थानीय उद्योगों के अंदर युवा को राजस्थान का कहकर, यहाँ का निवासी कहकर नौकरी नहीं दी जाती है। अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि एक कानून लेकर आए, जिस तरीके से राजस्थान के लगते हुए राज्य हरियाणा और गुजरात के अंदर है, कि स्थानीय युवाओं को इन उद्योगों के अंदर कम से कम 75% आरक्षण जरूर मिले। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु हम युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 से वर्ष दर वर्ष लगातार नए राजकीय महाविद्यालय खोले, नए कृषि महाविद्यालय खोले, नई ITI खोली, नए कन्या महाविद्यालय खोले, नए विद्यालय खोले और बहुत सारे विद्यालयों को कर्मोत्त भी किया, पर क्या धरातल पर इनका क्या हाल है, अभी क्या सरकार ने जानने का काम किया? आज एक भी विद्यालय, महाविद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसमें संपूर्ण स्टाफ होगा या उसकी पूरी बिल्डिंग बनी हुई होगी। अगर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की बात करूं, तो 2018 के अंदर वसुंधरा राजे जी की सरकार में मेरे पिताजी स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी जी की मांग पर उन्होंने राजकीय महाविद्यालय मुंडावर में खोला था। अगर आज मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पर 7 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से केवल 4 पद भरे हुए हैं। और साथ ही बात करूँ राजकीय कृषि महाविद्यालय की, जो पिछले वर्ष इस सरकार में मुंडावर में खोला गया था, जो आज एक प्राथमिक विद्यालय में चल रहा है, एक वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो उसका भवन है और ना ही आने वाले समय में ये नहीं पता कि वो कब तक बनकर तैयार होगा। और साथ ही वहाँ पर 12 पद स्वीकृत हैं और जिसमें से मात्र 1 पद भरा हुआ है। क्या इसी तरह से सरकार इन युवाओं को आगे आने के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रही है? अगर ऐसा है तो हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन है कि इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। पहले जो पूर्व के अंदर खोले गए कृषि महाविद्यालय हैं, अन्य संस्थाएं सरकार की हैं, उसमें आधारभूत ढांचा तैयार करें, वहाँ पे जितने पद स्वीकृत हैं उसी के आधार पर वहाँ पर नियुक्ति दें और आने वाले समय में जब वो पूर्ण हो जाए उसके बाद नए विद्यालय और अन्य संस्थाएं खोलने का काम करें। इसी क्रम में मांग करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से, कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गिलोट गाँव लगता है, वहाँ पर एक रिको का बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है और आसपास उसके 15 किलोमीटर दूर तक कोई महाविद्यालय भी नहीं है, तो बच्चों को वहाँ काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है और साधन की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से बच्चियाँ परेशान रहती है। तो आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कन्या महाविद्यालय खोलने का सरकार घोषणा करे। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार मांग करती है, जब सरकार चिकित्सा की बात आती है तो सत्ता के काफी लोग चिरंजीवी योजना की बात करते हैं। क्या कभी इन लोगों ने जाकर देखा कि जो गांव का गरीब व्यक्ति है वो जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? IPD में तो डॉक्टर उसको देखने के लिए मना कर देता है जब उसको पता चलता है इसका पैसा चिरंजीव की योजना के माध्यम से उठेगा। OPD में उसको हलाल किया जाता है, उसको काटा जाता है, जहाँ पर 2 रुपये का सामान लगना होता है उसे 10 रुपये वसूले जाते हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपये से इसको 25 लाख रुपये किया चिरंजीव योजना में मिलने वाले लाभ को, तो आपसे आग्रह करना चाहूँगा, चाहे बेशक वो 10 लाख ही हो, पर उसका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से किया जाए। जब एक गरीब व्यक्ति अस्पताल में पहुँचता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार ना कर और जो वास्तव में जो लागत उसके इलाज की आनी चाहिए उतना ही पैसा उसे वसूला जाना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा उस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि पूर्व के अंदर जब वो इलाज करा के गया उसी समय के अंदर जो पैसा उसका था योजना का उसी समय में उसे वसूल लिया गया, तो आगे आने वाले समय में उसको वहाँ पर लाभ नहीं मिल पाता है। और बात करूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की, तो यहाँ पर CHC PHC और जितने सब हेल्थ सेंटर हैं करीब के अंदर सब जगह पर रिक्त पद हैं। तो माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा, मेरे यहाँ पर जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे गरीब किसान और गांव में रहने वाले राजस्थान प्रदेश की सबसे अधिक आबादी को वहाँ लाभ मिल सके।
माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा, मुंडावर CHC को जिला उप अस्पताल घोषित किया जाए और साथ ही साथ सोडावास और बासनी PHC को CHC में कन्वर्ट किया जाए और अलीपुर सांचौद के अंदर एक, क्योंकि इस गांव की दूरी मुंडावर हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर है, तो वहां पर एक PHC की घोषणा की जाए। माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अंदर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले के अंदर 5-5 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों को शामिल किया और अन्य जो सड़कें हैं जो अति क्षतिग्रस्त हैं उनको भी शामिल किया। इसी क्रम में मुंडावर अलवर जिले के अंदर करीब 250 करोड़ रुपए से पौने 300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। अगर बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की, तो वहां पे 1 किलोमीटर तो दूर की बात है, 1 मिलीमीटर भी सड़क मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस बजट में घोषणा नहीं की गई। तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा, वर्ष 20 दिसंबर से लेकर वर्ष 2021 दिसंबर तक नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से, आंदोलन के कारण बंद होने की वजह से, उसके लगते हुए क्षेत्र के अंदर गांवों के अंदर सड़कें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिन पे गाड़ी चलाना अति दुर्लभ है। इसलिए आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि 200 फुट गिलोट चौक से काकरकुचना होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक, शाहजहाँपुर दादे सड़क से मानकर राम सिंहपुरा होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक, NH 48 से गूगल कोटा होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक, NH 48 से सकतपुरा बावद होते हुए मानका तक, ये 4 सड़कें इतनी अधिक क्षतिग्रस्त हैं कि आने वाले समय के अंदर जब बारिश और अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर पैदल निकलना भी दुर्लभ हो जाएगा। तो इसके लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा, जब मुख्यमंत्री जी इस बजट का रिप्लाई करें तो इन सड़कों की जरूर घोषणा करें। माननीय सभापति महोदय, मुंडावर हेडक्वार्टर से जयपुर और दिल्ली दोनों ही राजधानियों की सीधी कनेक्टिविटी बस की नहीं है, तो आता है आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि दोनों ही राजधानियों को मुंडावर से जोड़ा जाए और यहाँ पर आने जाने के लिए साधन उपलब्ध कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, 148 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में उप तहसील, तहसील और नगर पालिकाओं की घोषणा करी। इसी क्रम में आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के अंदर एक शाहजहाँपुर कस्बा लगता है जो एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है, जिसके आबादी करीब 10,000 से अधिक है और नगर पालिका के जितने भी मापदंड है पूर्ण करता है। तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जब मुख्यमंत्री जी बजट का रिप्लाई करें तो शाहजहाँपुर को नगर पालिका बनाने की घोषणा करें और साथ के साथ आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा, ततारपुर, सोडावास और शाहजहाँपुर को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, जिससे कि आमजन को और किसान को वहाँ पर लाभ मिल सके। आपके माध्यम से जो बचावा मेरा जो इस बजट का रिप्लाई है वो टेबल करना चाहूंगा। अब मैं अनुमति नहीं देता। सब 7 मिनट में तो कैसे बोलेंगे? अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान